www.attableek.com, the reviver of Iman. Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulihi Sadiqil Ameen. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अशर कवायद फी तज़किरत नुफूस. उसका नाम अरबी में है अशर कवायद फी तज़किरत नुफूस. कई आदमियों ने मिलकर उसका तर्जमा किया है. उस तर्जमे का नाम है तज़किरत नुफूस के लिए 10 कायदे. जाहिर है कि तज़किरा नफ्स कितना जरूरी है. उसके लिए उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, कई कई जिल्दों में किताबें लिखी हैं. इन आलिम ने 10 कवायद का जिक्र किया है. कवायद मुराद 10 अमल का जिक्र किया है कि अगर उन 10 पर अमल कर लिया जाए तो नुफूस का तज़किया हासिल हो जाएगा. हमारे जो अंदर सीने में जो नफ्स है उसको पाकी हासिल हो जाएगी. 10 अमलों पर अगर हम लोग अमल करें या पाबंद हो जाए, जाहिर बात है कि इतना अहम काम 10 अमल के करने से हासिल हो जाए, पूरा हो जाए, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है. हमको ये किताब मिली मौलाना मोहम्मद फारूक साहब अफ्रीकी से, तो मुझे ये किताब बहुत पसंद आई. मैंने उसका तर्जमा शुरू किया, हमारे और साथियों ने किया, यहाँ तक कि वो तर्जमा हो गया है. लेकिन अब तो किताब तबा नहीं हो सकी है, तो हमारे एक शागिर्द ने उसको जमा करके एक सूरत ऐसी बना दी है कि मज़ामीन एकजा हो गए हैं. उसी किताब को लेकर के आपके सामने बैठा हूँ कि इसी से कुछ बातें आपको सुनाऊं. चुनाचा फरमा रहे हैं, मुसन्नी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नहायत अहम कस्मों के बाद क्या फरमाया, कद अफलाह मन ज़क्का. जो अल्लाह के नज़दीक बहुत अहम चीजें थी उसकी अल्लाह ने कसम खाया, और किसी चीज के लिए इतनी कसम नहीं खाई जितना अल्लाह ताला ने इसके लिए कसम खाया. वशम्स वज़ुहाहा वल्कमर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा, ये सब कसम ही तो है. कितनी कसमों के बाद क्या फरमाया, कद अफलाह मन ज़क्का, फलाह पाई उसने जिसे नफ्स का तज़किया किया. इतनी अहमियत के साथ जब बयान फरमाया तो जाहिर बात है कि इस चीज में भी अहमियत थी. तज़किया नफ्स में अहमियत है, इस बिना पर अल्लाह ताला ने इतने एहतमाम के साथ इसको बयान फरमाया है. कद अफलाह मन ज़क्का, फलाह पाई उस शख्स ने जिसे नफ्स को पाक और साफ किया. जैसे खेत है उसमें कंकड़ पत्थर घास फूस रहते, उसको जब साफ किया जाता है उसके बाद बीज डाला जाता है. इस तरह कल्ब को जब बुराइयों से पाक करोगे, हसद है, कीना है, गजब है, तमा है, लालच है, हिर्स है, तमा है, ये सब चीजें जो आदमी पाक करेगा तो कल्ब इस लायक होगा, नफ्स इस लायक होगा कि उसमें अच्छे खसाल आए. जब तक ये चीज नहीं होगी उस वक्त तक कल्ब के अंदर सफाई पैदा नहीं होगी.
अम्बिया अलैहिस्सलात वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसीलिए मबूसी फरमाया, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल फी ज़लालिम मुबीन। हमने अम्बिया को मबूसी इसलिए किया है, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी मकसद के लिए मबूस किया है, ताकि नफूस का तज़किया करें, नफूस को पाक और साफ करें। इसलिए तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की आमद और तमाम किताबों का नुज़ूल, ये किताबें जो नाज़िल हुई हैं, बगैर तमाम मदारिस, जितनी खानकाहें, जितनी उलमा, जितने सब इसी काम के लिए हैं कि नफूस का तज़किया, खुद अपने नफूस का भी तज़किया करें, अपने नफूस को भी क्या संवारें, बुरी आदत, बुरी खसलतों से अलहदा हो, अच्छी खसलतें उनके अंदर पैदा करें। फरमाया, कद अफलहा मन ज़क्का, फलाह पाई ने जिसने उसे नफ्स का तज़किया किया। फरमाते हैं बहुत उम्दा, अल्लाह ताला का इरशाद है, फरमाया बहुत उम्दा, तो समझो कि तज़किया की असल खैर में ज़्यादती की है। तज़किया किसे कहते हैं? खैर भलाई में ज़्यादती पैदा करो। मुराद आयत यह है, जो अपने नफ्स के तज़किया और उसके इस्लाह और कसरत ताआत और खैरात के साथ मुतसिफ करने में और उसको शुरूर और बुराइयों से दूर रखने में लगा रहेगा, तो वो फलाह के साथ बखूबी बहरवर हो जाएगा। शुरूर को हटाओ अपने सीनों से और खैरात को और अच्छाइयों को ले आओ, जब ले आओगे तो तुमको फलाह मिल जाएगी। ये कौन कह रहा? अल्लाह फरमा रहा, किसी और किसी साइंसदान फलासफी के लिए बात नहीं है, अल्लाह ताला फरमा रहा। इसमें कोई शक और शुबा हो सकता है? कद अफलहा मन ज़क्का, फलाह पाई उसने जिसने नफ्स का तज़किया किया। क्या मतलब? शुरूर से अपने कल को पाक किया और खैरात और बरकात को उसके अंदर लाया, जब लाया तो वो फलाह याब हो गया। फलाह बहुत बड़ी नेमत, फलाह बहुत बयामे लफ्ज है, तमाम जितनी खूबियां सब फलाह के अंदर मौजूद है। इस वजह से अल्लाह ताला ने फलाह का बार बार जिक्र फरमाया, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह का कसरत से जिक्र को फलाह पा जाओगे। कुरान में भरा हुआ है, यहाँ तो बिल्कुल मुरतब कर दिया, एक खास बिल्कुल एक कुल्लिया के तौर पर बयान कर दिया। कद अफलहल मोमिनून लज़ीन हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन, है कि नहीं? कद अफलहल, वही फलाही तो है। कद अफलहल मोमिनून लज़ीन हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन, फलाह पाए उन मोमिनीन ने जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। जो लोग कसरत से जिक्र करते हैं वो फलाह पाने वाले हैं। सूरह जुमा, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह को कसरत से जिक्र करो फलाह पा जाओगे। फलाह बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत है। हम लोग जब किसी बुजुर्ग को खत लिखते थे या वारिशा वगैरह को खत लिखते थे तो ये जरूर लिखते थे दुआ कीजिए अल्लाह ताला सलाह फलाह का फरमाए। अब तो वक्त ज्यादा नहीं लिखते, सलाह और फलाह। अजान में भी सलाह फलाह, हय्या अलस्सलाह, आइए आओ किस पर नमाज की तरफ, वो सलाह नहीं है, और आओ फलाह की तरफ, यानी नमाज पढ़ोगे तो फलाह पाओगे। फलाह माने आफियत के है, भलाई के है, जितना भी तर्जमा इसका किया जाए, जितने अल्फाज लाए जाए सब ठीक। क्या फरमाया अल्लाह ताला के नहीं उमदा तरीके, तज़किया के माने समझो खैर में ज़्यादती, जिसने खैर में ज़्यादती की है और मुराद आय की है कि जो शख्स अपने नफ्स के तज़किया और उसकी इस्लाह और कसरत ताआत और खैरात के साथ मुतसिफ करने में और उसको शुरूर और बुराइयों से दूर रखने में लगा रहेगा, तो फलाह के साथ बखूबी बहरवर हो जाएगा। जो नमाज पढ़ेगा, जिक्र करेगा, तिलावत करेगा, अच्छी बातें कहेगा, अच्छी बातों का हुक्म करेगा, बुराइयों से बचेगा, तो अल्लाह ताला उसके दिल में इत्मीनान अता फरमाएंगे। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, कितना उम्दा है। अला आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से कुलूब में इत्मीनान पैदा होता है।
दुरुद शरीफ पढ़ने से इत्मीनान होता है, तिलावत करने से इत्मीनान होता है। खुद कहती थी तुम्हारी दादी हमसे, उनके एक लड़के पहले इंतकाल हो चुका था, पहले जानते हैं वो अब्दुल्लाह को, पहले मंसूदा जी पढ़े, कहती थी मुझे किसी चीज से सुकून नहीं मिलता, जब दरूद शरीफ पढ़ती है तो सुकून मिल जाता है। तुम्हारी दादी कहती दरूद शरीफ, ये भी मैंने सुना है कि जब अरब बहुत परेशान होते हैं किसी मामले में तो मस्जिद नबवी में आते हैं और दरूद शरीफ की कसरत करते हैं, उससे उनको सुकून मिलता है। और ये भी आया है, याद आ गया कि जब तुम पर मुसीबत कोई आए, ये भी सुने हो गए, लेकिन अब सब बात कहां लोग बयान करते हैं, जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को सोचो, कि जब हुजूर की वफात होगी उससे बड़ी मुसीबत क्या थी, तो उस वफात को जब सोचोगे तो तुम्हारी मुसीबत में जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, खुद हजरत आयशा या हजरत फातिमा फरमाती हैं, सुब्बत अलैय मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलैयाम सिन लयालिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात से बढ़ के हजरत फातिमा बेटी थी, जो हजरत आयशा जो उनकी बीवी थी, और बहुत सी बीवियां थी, बेटियां थी, उन पर कैसी मुसीबत आई। कोई बड़ा आदमी मर जाता है, लड़कियां बीवियां कितना रोती हैं। हजरत फातिमा ने बहुत उनका सुब्बत अलैय मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिन लयालिया, हम पर ऐसी मुसीबतें पड़ी हैं कि अगर दिन पर पड़े तो रात हो जाए, ये धूप जो है बिल्कुल रात हो जाए। पिता हम तो शेर है, ये बड़ी शेर है, सुब्बत अलैय मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिन लयालिया, रात हो जाए तो ऐसी भी मुसीबतें आती हैं। आज हम में बहुतों पर ऐसी मुसीबतें हैं, बड़ी मुसीबत का वक्त है, बहुत ही मुसीबत का वक्त है, किसी को चैन नहीं, किसी को सुकून नहीं, क्या करना है, जिक्रुल्लाह, अल्लाह को याद करो, उसी से सुकून मिलेगा, दुरूद शरीफ पढ़ो उसी से सुकून मिलेगा, अल्लाह को याद करना सुकून का सबब है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से कुलूब को इत्मीनान मिलता, करके देखो। इमाम ग़ज़ाली ने लिखा है कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ कमी मालूम होती हो तो वजू करो, देखो बदल जाती है नहीं, तबीयत बदल जाएगी। मिजाज इमाम ग़ज़ाली कहते तर्जुमा करके देख लो, अगर तुम्हारी तबीयत में क्या है, कोई इंशरा नहीं है, कुदूरत है, तो वजू करो, इंशरा पैदा हो जाएगा। इमाम ग़ज़ाली ने लिखा, और बाद आलिम ने लिखा, या मैं ही कहता हूं, मैं क्या आलिम हूं, कि आपकी तबीयत में परेशानी है, इस्तराब है, उलझने हैं, मैं कहता हूं 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, देखो दूर जाती कि नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा सुकून का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के, ला इलाहा कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के। आज उम्मत इसको पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मुजद्दिद साहब का वक्त नहायत फितने का वक्त था, ऐसे ही फितना था, एक शख्स भी कोड ला रहा था अकबर, उसके बाद मुजद्दिद साहब आए, आसार थे, जेल में भेज दिए गए जहांगीर उनके बेटे, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की जरबे लगाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, नक्शबंदी थे, कैसा जिक्र किया उन्होंने, ये सब फितने खत्म हो गए जी, पता है मुबीन हाजिर हुई उनको। मैं इस वजह से इसको कहता हूं कि कलमे तैयबा खूब पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे इत्मीनान भी होगा और सुकून भी होगा। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से 10-20 मिनट पढ़ो, इंशाअल्लाह लगी इत्मीनान होगा। जब वजू करने से इत्मीनान हासिल होता है तो कोई जिक्र करेगा इत्मीनान नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुसीबत आती थी, बादरा इलसा नमाज की तरफ सबकत करते थे, जल्दी जाते थे, अब हम लोग हैं नमाज को छोड़ देते हैं ऐसे मौके पर, हाल अच्छा है नहीं अच्छा हाल है,
हमारा हाल भी होना चाहिए, नबी का हाल है, अल्लाह हमारा भी हाल ऐसी बना दी। मैं सोचा करता हूं आज नबी नमाज से हमको सुकून मिलना चाहिए, नमाज को छोड़ना नहीं चाहिए, तिलावत से सुकून मिलना चाहिए, जिक्र से सुकून मिलना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हरे माथानी से किसी ने पूछा, जबकि वो दौर ताउन ही का था, उसी वक्त पूछा कि हजरत इस ताउन के दौर में, ताउन के जमाने में ये पूरा वबा फैली हुई है, इसमें कहीं कैसे कोई सुकून से इबादत कर सकता है, कैसे नमाज हो जाए, किसी चीज नहीं कैसे कर सकता। पर मैं अच्छा बताओ, ताउन है क्या, कभी दुकान खोलना भूल गए तुम, जाते हो नहीं जाते? हजरत ताउन में भी हम बाजार जाते हैं, दुकान खोलते हैं, खरीदो फरोख करते हैं, सब करते हैं। जब सब ये कर सकते हो तो क्या नमाज नहीं कर सकते, तिलावत नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सकते? अच्छा जवाब दिया है, सब कुछ तो कर रहे हो, नमाज ही नहीं पढ़ते हो, जिक्र नहीं करते हो, तिलावत नहीं करते हो। मालूम हुआ कि अल्लाह का जिक्र जो है वे इत्मीनान का बाइस है, उससे सुकून मिलता है, उससे आफियत मिलती है। अल्लाह बिजिक्र अल्लाह तत्मइन्न अल-क़ुलूब, जिक्र से सबसे ज्यादा तस्किया होता है। लिखा है कि जिक्र की खासियत तस्किया है, जो तमाम उलमा कहते हैं कि तस्किया के लिए जिक्र करना लाजिम है। तो जिक्र बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत है। जब जिक्र करोगे तो अल्लाह का नूर तेरे हर कल में आएगा, अल्लाह का नूर आएगा, जिक्र का नूर तुम्हारे दिल में आएगा। اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتي، اے اللہ ہمارے قلب کو پاک کیجیے اپنے غیر سے، ہمارے دل کو نور معرفت سے منور کر دیجیے۔ حضرت امام صدیق صاحب نے نصیحت طلب کیا ہمارے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہی دعا پڑھ رہی، اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتي، نور معرفت سے قلب منور ہوتا ہے، दिल पाक और साफ होता है। इस बिना पर दिल को पाक करने की जरूरत है, नफ्स को साफ सुथरा करने की जरूरत है। अंबिया अलैहिस्सलाम की बेइज्जती इसीलिए हुई है, किताबों का नुज़ूल इसीलिए हुआ है। उलमा अगरचे अब कम इसको बयान करते हैं, लेकिन किताबें मौजूद हैं, उलमा बयान करते हैं, तस्किया नफ्स का बयान करते हैं, लेकिन कम करते हैं। यहीं पर एक मस्जिद है बड़ी, एक बड़े आलिम तो नहीं, प्रोफेसर थे, उन्होंने तकरीर किया है कि जरूरत है तस्किया नफ्स के लिए, तालीम और किताब हिकमत की जरूरत है, तबलीग की भी जरूरत है, और किताब लिखने की जरूरत है, और तस्किया नफ्स की जरूरत है। तो एक आदमी बोलने लगे, कहने लगे अपने बड़े से कि हजरत उन्होंने तस्किया नफ्स का लफ्ज़ कहा, ये तस्किया नफ्स क्या है? तो वो बिगड़ गए, कहा तस्किया नफ्स नहीं जानते? मैंने कहा कभी बतलाए होंगे तब तो जानेंगे, बताई नहीं कभी, तुम्हारे जमाने में तस्किया नफ्स आई नहीं, क्या जानेंगे तुम्हारे लोग? मैं नाम नहीं लेता भाई। तस्किया नफ्स कुरान कह रहा है, तस्किया हो अल्लाह बास फिर उम्मीद रसूल मिनहुम يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ضلالِ مُبِينٍ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، نبی نے آ کے تزکیہ کیا، جہالت میں تھے، نبی نے ایسا تزکیہ کیا، ایسا علم سکھایا کہ تمام اس زمانے کی یونیورسٹی کے لوگ گر پڑے، ان کے سامنے نہیں چل سکے، ان کے کتاب و حکمت ان کے علوم کے سامنے، یعنی صحابہ کے علوم کے سامنے وہ کچھ چل نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفوس کا تزکیہ کیا، قلوب کا تصفیہ کیا، قلوب کو صاف کیا ہے، نفوس کو پاک صاف کیا ہے۔ کتنی بڑی دولت صحابہ کو ملی کی نہیں، صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کتنی بڑا یہاں کا بزرگ ہے، معمولی صحابی کے برابر کوئی، معمولی تو کہنا بھی غلط ہے، کسی چھوٹے چھوٹے صحابی کے بندے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو کتنی عمدہ بات ہے، اپنی زندگی فرماتے ہیں تزکیہ کے اصل خیر میں زیادتی کی ہے، اور مراد آیت یہ ہے کہ جو شاہ اپنے نفس کے تزکیہ اور اس کی اصلاح کثرت طاعات اور خیرات کے ساتھ متصف کرنے میں، اور اس کو شرور و برائیوں سے دور رکھنے میں
लगा रहेगा तो वो फलाह के साथ बखूबी बहर भर हो जाएगा। कुछ थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है मुझे। तजकिया के तुम नाम भी नहीं जानो तो क्या तजकिया करोगे। www.tabligh.com The Reviver of Iman मौलाना आलमिया तजकिया के कायल थे। उनकी माँ जबरदस्त मुअल्लिमा थी। उन्होंने खुद हमें सही से सुना कि अब्बा अली मियां की असल इस्लाह तबियत करने वाली तो उनकी माँ थी। सूरह कहफ पढ़ने का याद आया था मुझको, सूरह कहफ पढ़ने का उनको उन्होंने कहा था, सिखाया था उनकी माँ ने, किसने, अली मियां की माँ ने सिखाया था। तो बराबर देखती थी कि अली सूरह कहफ पढ़ता कि नहीं। जहाँ तक उनकी वो खास सूरह कहफ भी पढ़ने में होती युवा कहती थी, अभी मुझे याद आ गया इसमें चाह रहा हूँ। सूरह कहफ भी काल में पढ़ते या सूरह यासीन पढ़ते हुए उनका इंतकाल हुआ। क्योंकि हमेशा जुमा को पढ़ते थे हम लोग, जब जाते थे तो मन 10-11 बजे पहुंचते थे गाड़ी से तो पढ़ते रहते थे मौलाना। तो माँ का यह माँ की ये तरबियत थी, हमें खुद सही से सुना कि मौला अली मियां को संभालने वाली उनकी माँ थी, माँ जी। कहा अली अगर तुम्हारे जैसे 100 लड़के भी हमारे होते तो सबको मैं अरबी पढ़ाती। किसी ने कहा तुम्हारे एक ही लड़का है तू अरबी पढ़ा रही हो। कहा मेरे 100 लड़का अगर होता तो इसको अरबी जामे इस्लामिया की उनको इमामत मिल रही थी। इमामत क्या करते हैं पर वो एहतमाम जामे इस्लामी जिसमें शहीद वगैरह जाके पढ़े हुए हैं उनको सदर या क्या लग सदर सदारत मिल रही थी, जिम्मेदार उनको बनाया जाता ताकि अपने अम्मा से कहा ए अम्मा हमको जामिया इस्लामिया की सदारत मिल रही है, प्रिंसिपल हम होने के लोग कह रहे हैं। तो मैं ए बेटा अगर तुम इसको कबूल करोगे तो मैं बख्शू नहीं तुमको, ना खुश हो जाऊंगी। नहीं किया, नहीं कबूल किया माना। अल्लाह ताला ऐसी तरबियत देते। अफगानिस्तान के बादशाह ने उनको बहुत बड़ी रकम दिया, उन्होंने तो लेते ही नहीं थे, लिया सब हम लोगों को तकसीम किया, हमारे मदद से भी भेजा 5-5 हजार तब तकसीम कर दिया। अल्लाह ताला ने मौलाना को एक हार मन समझो और कम लोग ऐसे हुए। एक आधा पैसा भी नहीं रहता था चाय पी सकते, लोगों से कह देते थे मेरे भाई हमको चाय पिला दे, इतना बड़ा आदमी। अखीर तक मैं जाता था तो हमेशा मुझको किराया देते, समझते थे ये गरीब आदमी है मूल भी है, इसी बिना पर देते रहोगे। जब भी मैं जाता था वहां मोहम्मद अहमद साहब ने अभी हमारी भी ये दोनों आदमी जरूर उनको किराया देते थे वापसी का। एक मतलब नहीं दिया मुझको मोहाली में तो कोई मुतालबा थोड़ी था, चलाया 7-8 रुपये लगता रहा होगा, इतना तो था ही मेरे पास, चलाया। मौलाना का खत आया, वो खत मौजूद है देख लेना, खत मौजूद। कहा कि आपको मैंने ज्यादा राह भी नहीं दिया इस मरतबा, आपको मैंने ज्यादा राह जानते हैं किराया भी नहीं दिया, इलेक्ट्रिकल आपको मैंने ज्यादा राह भी इस मरतबा नहीं दिया, मेरे पास खुद ही नहीं था, मैं देता कहां से आपको। मौलाना के पास 6 रुपया नहीं था साहब, बहुत पुरानी बात नहीं, नई बात। ये हमारे मशायख हमारे ये उलमा खाने पीने में नहायत सादगी, अब भी महाराजे साहब को देखिए पजावर ठीक न कुर्ता जो जाते हैं अच्छी रहती वो दे देते हैं सर, ये भी उन्होंने दिया हो रुमा शायद जो अच्छी चीज रहती मुझको दे। अल्लाह ताला ने इन हजरात को बहुत ही बुलंद तर बनाया बेलौस। हमने तो यहां तक सुना है कि अभी वो कर जो मकान है इसकी वजह से मकरूज है मौलाना राबे वगैरह राबे मकरूज। बहरहाल इन लोगों ने अपने को मिटाया है
अल्लाह ने मनसब दिया है, बड़े लोग। बहरहाल नफ्स की इस्लाह हजरत मौला अली मियां ने वाकई किया है लोगों को जाकर। अल्लाह ताला हम सब लोगों को, पूरे खानदान को, उसमें कुछ लोग मैं खान नहीं कुछ कहता, अल्लाह ताला सभी को नेक और साले बनाए। नींद अल्लाह का इशाद है, वक़द ख्वाब मन दस्ताहा, फलाह पाई उसने जिसे नफ्स का तज़किया किया। गुनाहगार ने अपने शरीफ नफ्स को गुनाहों के करने को से छिपा दिया, बुराइयां किया, बुराइयों करने के बाद उभरा तो नहीं, जमीन में धस गया और कोई पता ही कहां जाए, जाय कर दिया। किसी चीज को जमीन में गया जरा जाहिर करना है, इतना उमदा लफ्ज है दस्ता। गुनाहगार ने अपने शरीफ नफ्स को गुनाहों के करने को ऐसे छिपा दिया और उसको रजायल और खसाय से दबा दिया और उसका सफाया कर दिया और यूब का इस्तेगा करके हला कर दिया। कितना उमदा लिखा है, अरब आदमी लिख रहा है, तर्जमा हम लोग का अरब आदमी लिख रहा है, और यूब का इस्तेगा करके हला कर दिया है, यहां तक कि उसका नफ्स कमीना जलील व हकी हो गया। अफलाह मन ज़क्काहा, फलाह पाई उसने जिसने उस नफ्स को पाक किया, इज्जत बख्शा उसको, तरक्की की चोटी पर ले गया। बखराब उस शख्स के जिसने अपने नफ्स की इस्लाह नहीं किया, उसने उसको दबा दिया, जमीन में गाड़ दिया, यहां तक कि उसका नफ्स कमीना जलील व हकीर हो गया, जिसकी वजह से खबीस, जिसकी बिना पर वो खबीस, वो खुसरान का मुस्तहिक हो गया, खसारा ही खसारा। अल्लाह याद बिल्लाह, अल्लाह ताला इसे पनाह में रखे, अल्लाह ताला आफियत दे हम सब लोगों को। ये आयत मामूली नहीं है, कद अफलाह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्ताहा। अल्लाह ताला हम सबको अपने नफ्स की इस्लाह की तौफीक, सबके लिए जरूरी है, फर्ज आयन है हमारे अंदर नफ्स की इस्लाह करना, फर्ज आयन है। हमारे मशायख जहां यही काम होता है, जहां काम हो वहां तो काम हो या कुछ भी नहीं है, जिस खानकाह में जिस जगह ये काम ना होता वो खानकाह नहीं है, वो तो बर्बादी का अड्डा है, बर्बादी का अड्डा है, तबाही का अड्डा है। तो ये आए चूंकि ये किताब सामने थी, मैंने कहा इसी के मुताबिक कोई बयान कर लूं, बहुत से लोगों को मालूम भी हो जाएगा, बहुत से लोगों को मालूम भी हो जाएगा। ये किताब अभी छपी नहीं है, अब कोशिश करेंगे, मुरी अब्दुल्ला साहब इंशाल्लाह छप जाएगी, ये छपना इसका बहुत जरूरी है। 10 अमाल उतने ही बदला होगा, उसमें क्या है तिलावत है जिक्र, यही सब अमाल है। 10 अमाल क्या है आप सोचेंगे क्या है, 10 ही अमाल है जो करना है और तज़किया नफ्स से हासिल होगा। पहला क्या है, पहला फायदा तौहीद है, अल्लाह को एक मानो, सबसे पहली चीज अल्लाह को, उसकी तस्वीर मैंने किया बहुत, अल्लाह को एक मानना ये पहला दर्जा है, मतलब शिर्क ना हो, बिदात ना हो। ला इलाह में क्या तौहीदी तो है, ला इलाह इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के, इसको अपने दिल में जमाओ, कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के। और दूसरी दूसरा कायदा क्या है, दुआ है, कलमे तैयबा का विर्द करो और क्या करो, दुआ करो, दो हो गया कि नहीं, दो हो गया। तीसरा क्या है, तिलावत कलामुल्लाह। अब देखो तुम समझो, कभी नहीं ध्यान में आएगा कि ये 10 को लिखा होगा इन्होंने। सबसे बड़ी चीज कलमे तैयबा को पढ़ना, दूसरी चीज दुआ करना, तीसरी चीज तिलावत कलामुल्लाह करना, चौथी चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करना है, नहीं जरूरी क्या चौथी चीज होगी। पांचवी चीज क्या है, मुझे कायदा है जो तखलिया और तालिया का नाम है, तस्किया यानी सोचो कि कैसे ये दिल से किबर निकलेगा, कैसे हसद निकलेगा, सोचना और दूर करना, ये क्या है तस्किया का काम एक है। पांचवा कायदा क्या है, खिड़कियों को, उन खिड़कियों को दूर करना जिससे रजाल पैदा हो, बुराइयां पैदा हो, उस खिड़कियों को बंद करो, उसी जगह न जाओ जिससे जिसकी वजह से इस मुसीबत में तुम पड़ जाओ। सातवां क्या है, मौत को याद करना, मौत आने वाली किससे टाली जाएगी,
जान ठहरी जाने वाली जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। इकोन सातवां हो गया। आठवां क्या है? अच्छे हम नशीनों को चुनना, अच्छे सोहबत कैसी हो, अच्छे लोगों की हो, ये भी जरूरी है। सच्ची नफ के लिए अच्छी सोहबत का होना जरूरी है। और आत्मा क्या है बचा? नवा कौन है? उजूब से बचना, यानी कि कुछ करके समझो कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। नमाज पढ़ लिया दस का समझे हमसे बढ़ के बुजुर्ग कोई नहीं है, नहीं ये नहीं होना चाहिए। और आठवां क्या है? नफ्स की मार्फत समझो कि तुम्हारा नफ्स कहाँ जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है बुराई की तरफ जा रहा है। जब सोचोगे तब तो मिलेगा कुछ। बहरहाल या दस मिनट शुमार कर दिया कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तिलावत पर, नमाज पर, इन सब चीज़ों पर मुदाओ मत इख्तियार करें, इख्तियार करने की तौफीक दें, और इसके समराज से, इसके बरकात से दुनिया में भी हमको मुसफ़ी फरमाए और मरने के बाद भी मुसफ़ी फरमाए। वाखर दावाना, वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह आप लोगों ने सुना, अगरचे कुछ ही लोग हैं, हम लोग पांच आदमी उससे नमाज पढ़ रहे हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए दुनिया में पांच आदमी। वो बैद मस्जिद में गए हैं पढ़ाने के लिए, जिन्हा हमारे उसामा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। चार पांच आदमी हैं, दो तीन होते हैं। लेकिन मैंने बयान जो किया वो इसलिए भी बयान किया है कि जो भाई इस वक्त नहीं है, हैं तालिब मुखलिस, तो ये लोग मालिक का तरीका जानते हैं, हो सकता है आप लोग तक पहुंचा भी दें। अल्लाह ताला इनको भी तौफीक दे और इनको जज़ाए खैर दे, और जितने लोग सुने सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, सबको तफ़्क़ीर नफ़्स की दौलत से अल्लाह ताला मुशर्रफ़ फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहुर्मति सय्यिदिना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।